हे गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर टेक वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं HP Victus लैपटॉप को Acer Aspire 7 के साथ। जो HP Victus जो हम कंपेयर करने वाले हैं वो आता है हमारा Intel का 12450H प्रोसेसर लग के, और वहीं हम कंपेयर करने वाले Acer Aspire 7 के साथ जिसमें लगकर आता है 1240P प्रोसेसर। मैंने इसलिए बता दिया कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि क्योंकि लैपटॉप्स में अलग अलग प्रोसेसर लग के भी ही आते हैं Ryzen वगैरह के भी, तो इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया ताकि अगर आप लोग कोई और लैपटॉप देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो चलते हैं अपने सीधे लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि दोनों में कौन सा लैपटॉप ज़्यादा बेटर निकल कर आता है आप सबके लिए। एक एक पैरामीटर बात करें, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे बैटरी हो, सब कुछ कंपेयर करेंगे इस वीडियो में। एंड उसके बाद भी कोई आपके डाउट रह जाते हैं तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं। एक और चीज़ की Acer Aspire 7 की बहुत सारे वीडियोज चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, चाहे वो रिव्यू हो, 20-22 मिनट का हमने पूरा रिव्यू चैनल पे अपलोड कर रखा तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ Acer Aspire 7 की चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं कि कौन सा लैपटॉप निकल कर आता है बेस्ट आपके लिए, क्योंकि अभी करेंटली सेल भी चल रही है तो आपको अच्छे खासे बैंक डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे। बस आ चुके हैं हम लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और जो लैपटॉप अपनी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो Acer Aspire 7 16GB वेरिएंट है। एंड इसको हम कंपेयर करने वाले हैं अपने HP के लैपटॉप के साथ जो कि आता है Amazon पर 59,989 रुपीज़ के करेंटली, और उसमें 1500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा आपको भी। वहीं बात करें इस लैपटॉप के प्राइस की फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट पे अभी आ रहा है 58,990 का। बट एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि फ्लिपकार्ट पे जो ये प्राइस है ये 16GB रैम वेरियंट का है, वहीं मैं बात करूं Amazon पे HP की तो ये केवल 8GB वेरिएंट की प्राइसिंग है, कि ऊपर लिखा है 8GB रैम और 512 SSD की प्राइसिंग है आपकी 59,989। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइस की दोनों में, तो डेफिनेटली Acer वाला ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी निकल कर आता है, क्योंकि प्राइस कहीं ना कहीं सारे सेगमेंट्स में प्राइस सबसे ऊपर रखता है एक कंज्यूमर। तो डेफिनेटली अगर आप मोर रैम, सबसे ज़्यादा रैम देखना चाह रहे हैं कि दोनों लैपटॉप में कम प्राइस में, तो डेफिनेटली आप Acer Aspire 7 की तरफ जा सकते हैं। बट होल्ड ऑन, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कंक्लूड करूँगा मैं लास्ट में, तो आप उसका वेट करेगा, अभी आप कोई भी डिसीजन मत बना लीजिएगा। तो मैंने भी प्राइस इसलिए बता दिया क्योंकि प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में बताना ज़रूरी होता है ताकि अगर आपका बजट कम ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि Acer Aspire 7 के 8GB वाले वेरिएंट की, तो 8GB वाला 51,990 का आता है, तो ये भी आपका काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू HP Victus। अब बात करते हैं दोनों लैपटॉप में जो प्रोसेसर लग कर आता है, दोनों में थोड़ा अलग अलग प्रोसेसर लग कर आता है तो उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो जो हमारा Acer वाला लैपटॉप है उसमें लग कर आता है i5 1240p प्रोसेसर, एंड वही बात करें हम अपने HP वाले में उसमें लग कर आता है 12450H प्रोसेसर। अगर आप स्क्रीन पर अपने ध्यान से देख सकते हैं तो जो दोनों प्रोसेसर हैं वो i5 प्रोसेसर्स हैं। एंड बात करें हम कोर्स की, तो कोर्स जो है अपने 1240p में ज़्यादा कोर्स आते हैं, 12 कोर्स आते हैं। एंड हम बात करें 12450H में, उसमें 8 कोर्स ही आते हैं। दोनों में 4 परफॉर्मेंस कोर्स हैं और एफिशिएंसी कोर्स जो है वो अपने 1240p में ज़्यादा हैं, 8 हैं, और उसमें वहीं 450H में 4 हैं। तो आप यही देख सकते हैं कि कोर्स के मामले में डेफिनेटली 1240p ज़्यादा अच्छा है। वहीं बात करें हम टर्बो फ्रिक्वेंसी की, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, परफॉर्मेंस मैक्स टर्बो भी ऑलमोस्ट सेम है, एफिशिएंसी वगैरह सब कुछ सेम है। वहीं बात करें हम कैश मेमोरी की, तो दोनों में 12MB की कैश मेमोरी आती है। अगर हम पॉइंट्स को देखें तो 71 स्कोर कर रहा है हमारा 1240p और 70 स्कोर कर रहा है 450H, तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो मेजर डिफरेंस आपका नीचे आता है वो आता है हमारा हमारी थर्मल डिज़ाइन पावर में। थर्मल डिज़ाइन पावर क्या होती है, बेसिकली द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर द कूलिंग सिस्टम नीड्स टू डिसिपिएट, द लोअर द TDP टिपिकली मीन्स दैट इट कंज्यूम्स लेस पावर। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो हमारा Acer वाला है उसकी 28 वॉट है, एंड जो हमारा HP वाला है उसकी 45 वॉट्स है। तो जिसकी कम होती है वो कंज्यूम लेस पावर करता है, तो उतना ही एफिशिएंट हुआ। तो हमारा जो 1240p है वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेसर है इन टर्म्स ऑफ पावर। एंड अगर आप लोग देख रहे हैं एक एफिशिएंट प्रोसेसर, तो डेफिनेटली आप Acer वाले की तरफ जा सकते हैं, मोर ओवर अपना इंटेल कोर 1240H जो कि HP में लग कर आता है।
बट ऑन द अदर हैंड अगर हम लास्ट में समराइज करें और स्कोर्स की बात करें तो 71 स्कोर करता है इंटेल 1240p और वहीं स्कोर करता है हमारा 1250H, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बस यही हमारा थर्मल डिज़ाइन पावर इतना क्रिएट कर रहा है। तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हाँ डेफिनेटली कहीं ना कहीं बैटरी बैकअप में हमारा जो एसर वाला लैपटॉप है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा इन कंपैरिजन टू HP वाला। ये बात तो हो गई हमारे प्रोसेसर्स की, अब बात करते हैं हम अपने ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड दोनों में सेम लगकर आता है 1650 NVIDIA का 4GB का ग्राफिक कार्ड, सेम GTX वाला लगकर आता है दो HP में और एसर में, तो दोनों में परफॉर्मेंस सेम है, कुछ भी ऐसा कुछ भी अलग नहीं करा गया है। तो ये तो हमारी बात होगी ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स में तो आप इतना कुछ मेजर चेंज देख सकते हैं। बेसिकली मैं इन दोनों लैपटॉप्स की खासियत है कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें अलग अलग हैं एंड उसी वजह से थोड़ा सा आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं अपने डिज़ाइन एलिमेंट की। तो HP का जो लैपटॉप है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश लुक के साथ आता है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चलें तो जो HP का लैपटॉप है उसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश है, मार्केट में काफ़ी अपीलिंग है। आप देख सकते हैं हिंज का डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है। एंड वहीं हम बात करें एसर वाले लैपटॉप की, तो वो कहीं ना कहीं पुराने जो लैपटॉप्स हमारे आते थे मार्केट में उसकी याद दिलाता है। कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है आप अगर आप डिज़ाइन परस्पेक्टिव को देखें। हाँ एलिवेटेड डिज़ाइन वगैरह है, एल्युमिनियम टॉप कवर है, तो अगर हम ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें तो डेफिनेटली HP का लैपटॉप ज़्यादा बेटर निकल कर आते हैं इन कंपेरिजन टू एसर। एंड अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो हम बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली HP का लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एसर। एसर की जो आपकी डिस्प्ले के साइड के जो पैनल्स होते हैं ये वाले, ये देख सकते हैं ये हिलते रहते हैं। एंड काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कमेंट डाउन में करते हैं कि फ्लिकरिंग इश्यूज आ रहे हैं डिस्प्ले में ये सब, तो कहीं ना कहीं जो आप क्वालिटी कंट्रोल कह सकते हैं वो HP के लैपटॉप की ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एसर का लैपटॉप। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप बिल्ड क्वालिटी वगैरह को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, परफॉर्मेंस को थोड़ी कम प्रायोरिटी देंगे, तो मैं आपको ये कहूँगा कि HP का लैपटॉप ज़्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू एसर का लैपटॉप। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपने दोनों लैपटॉप्स में कि हमारे को क्या क्या ऑफरिंग है। तो दोनों ही लैपटॉप्स में हमारे को विंडोज़ 11 जेन्युइन मिलती है एंड साथ ही साथ एक 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलती है। दोनों की जो डिस्प्ले है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, 15.6 इंच है और जो कलर गैमेट है वो 45% कलर गैमेट है दोनों ही डिस्प्लेज में। तो डिस्प्ले के मामले में आपको सिमिलर डिस्प्ले है, कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बताने के लिए, दोनों की डिस्प्ले अच्छी खासी डिस्प्ले है। तो ये तो हमारी बेसिकली सारी बात हो गई है लैपटॉप की। अब कंक्लूड करते हैं दोनों लैपटॉप्स को कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए है बेस्ट। सो गाइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर हम प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करें तो दोनों में से आंख बंद करके आपको खुद ही दिख रहा होगा कि एसर वाला ज़्यादा बेटर है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से। और वहीं बात करूं HP वाले की, तो HP वाला की प्राइस क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि HP जो है वो कहीं ना कहीं एक ज़्यादा मेजर ब्रांड है ओवर एसर, तो अपनी ब्रांड वैल्यू के डेफिनेटली वो पैसे ले रहा है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट प्राइस में भी चेंज आता है 7-8 हज़ार रुपये का। एंड 7-8 हज़ार रुपये के प्राइस में आप डेफिनेटली कुछ और एसेसरीज वगैरह भी परचेज कर सकते हैं, बट अगर आपको ब्रांड सबसे ऊपर रखना है तो मैं डेफिनेटली आपको फिर सजेस्ट करूँगा कि आप HP के साथ जा सकते हैं, क्योंकि HP के लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी वगैरह और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है ना कोई लैपटॉप का, वो HP का ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। उसकी जो फिट एंड फिनिश है लैपटॉप की बहुत सही है। मैंने भी हाल ही में रिलायंस डिजिटल में भी गया था और वहाँ पे भी एक्सपीरियंस करा कि HP की जो विक्टर सीरीज है उसमें काफ़ी इन्होंने डिज़ाइन लैंग्वेज बहुत अच्छा काम करा है। पीछे जो V से जो बनकर आता है लुक वो भी बहुत अच्छा आता है। तो कुल मिला के मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर आप केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हैं जिनको ज़्यादा शोशाबाजी नहीं करनी है, उसके लिए हमारा जो एसर है वो परफेक्ट पार्टनर होगा। बट अगर आप वो बंदे हैं जो थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू भी रखते हैं बट आप थोड़ी सी परफॉर्मेंस में हिट ले सकते हैं, मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम चलेगी बट ब्रांड वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आप फिर HP की तरफ जा सकते हैं। इसमें बस एक आपको मेजर इशू आएगा कि आपको समय के साथ लगेगा कि हाँ 8GB रैम और ज़्यादा होनी चाहिए थी। और एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको कि एसर का अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो 16GB रैम वाला वेरियंट ही लेना, 8GB वाला रैम वेरियंट आप ही समझ लो, बस आप बहुत मिनिमल टास्क कर पाओगे, ज़्यादा कुछ धमाकेदार करने की सोच रहे हो तो वो नहीं हो सकता, वो केवल 16GB रैम में ही पॉसिबल है। तो HP वाला लैपटॉप में आप जब भी
खरीदने वाले हैं तो आप मेक श्योर करें कि अगर इसका 16 GB रैम वेरियंट आता है तो वो परचेज करें। दोनों में मैं यही कहूँगा कि समय के साथ जैसे जैसे आप लैपटॉप तीन साल तो यूज़ करता है बंदा लैपटॉप, और दो साल में जो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि लगता है कि यार उस समय 16 GB ले लेते तो हम फ्यूचर प्रूफ हो जाते। सो गाइस, इसी नोट पर इस वीडियो को एंड करते हैं। मैंने एक क्विक वीडियो बनानी चाहिए, तारीख है आज 27 सितंबर, रात के बज रहे हैं, आप देख सकते हैं टाइम है 27 सितंबर और रात के बज चुके हैं 9:10 एंड ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, एंड फटाफट से वीडियो शूट करके एडिट करके आप सबके सामने अपलोड कर दूंगा क्योंकि सेल चल रही है, बेस्ट टाइम है आप सबके लिए कोई भी लैपटॉप वगैरह परचेज करने का, एंड बेस्ट टाइम है आप सबके लिए वीडियो बनाने का ताकि अगर आप कोई कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा लैपटॉप लें तो हमारे वीडियो से आपकी मदद हो और आपका कन्फ्यूजन हो दूर। तो इसी नोट पे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। किसी वजह से वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग कीप रॉकिंग एंड बाय बाय।